दबंग कोटीदार घट तौली पर गटक रहा गरीबों का राशन। कौंधियारा प्रयागराज से खबर सामने आ रही है। जब दबंग कोटीदार घाट तौली कर गटक रहा गरीबों का राशन, खबर कौंधियारा प्रयागराज से सामने आ रही है। जनपद के विकासखंड कौंधियारा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा बारी बजहिया में कोटीदार कार्डधारकों के साथ कालाबाजारी करते हुए घाट तौली कर गरीबों के हक पर डाका डालते हुए गटक रहा खाद्यान्न। उक्त कोटेदार के द्वारा 10 किलो खाद्यान्न वजन किया जा चुका था। इस बीच मीडिया की टीम पहुंचने के बाद जब पुनः खाद्यान्न वजन कराया गया तो मौके पर बोरी सहित 8 किलो 240 ग्राम ही पाया गया। जब कोटेदार से पूछा गया कि वजन कम देने का कारण क्या है तो कोटेदार इधर उधर की बातें करते हुए आनाकानी करने लगा। वहीं राशन धारकों से पूछने पर बताया गया कि कोटेदार हम लोगों को हर बार प्रति यूनिट लगभग 1.5 किलो से 2 किलो तक कम दिया जाता है। शिकायत करने पर कोटेदार द्वारा राशन धारकों को धमकी दी जाती है कि अगर मेरी कहीं शिकायत किया तो लोगों को राशन कार्ड से नाम कटवा दूंगा तुम्हारा, वहां भी नहीं मिलेगा जो मिल रहा है। कार्ड धारकों ने बताया कि कोटेदार दमक किस्म का व्यक्ति है इसलिए खाद्यान्न कम लेना हम लोगों की मजबूरी है। चाहकर भी हम लोग कोटेदार के खिलाफ शिकायत नहीं कर पाते। अब देखने वाली बात यह होगी कि कोटेदार के प्रति विभागीय चाबुक चलता है अथवा ऐसे ही ग्रामीण कोटेदार का कोप भाजन बनते रहेंगे और कोटेदार के द्वारा राशन की हेराफेरी होती रहेगी। सबसे पहले आप अपना थोड़ा नाम और परिचय बता दें। जी, अभी जैसा कि एक लाभार्थी द्वारा देखा गया कि जैसे कि उनके बयान द्वारा कि 10 किलो आपने भी बताया कि 10 किलो चावल और 5 किलो गेहूं उपलब्ध 9 किलो में बताया। चलिए अगर आप 9 किलो कह रहे हैं कि हमने दिया, एक मिनट सामने देखिए आप, यदि 9 किलो आपने बताया तो 8 किलो 240 ग्राम क्यों लाभार्थी को दिया गया? लोग तौल रहे थे, हम थोड़ी तौल रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर आप तौल कर नहीं देते, जितने लाभार्थी आते हैं वो खुद तौलते हैं। हाँ, हाँ, बराबर ज्यादा तौल ले चाहे जो कुछ भी कर ले। हमको क्यों क्यों महोदय, क्या आपने खुद तौला है? आपने नहीं तौला तो वहाँ लाभार्थी सामने देखिए, इधर लाभार्थी का कहना है कि उन्होंने नहीं तौला, आप कह रहे हैं हमने, तो किसने तौला है? जब इनको नहीं जाएगा, मैंने तौल दिया 9 किलो। अच्छा, आपने तो 9 किलो वो वर्तमान समय में भी नहीं है, लाभार्थी को 10 किलो मिलना चाहिए, आपने 9 किलो क्यों दिया? और 9 किलो जो आप कह रहे हैं तौलने पे, तो वर्तमान समय में तुरंत 8 किलो 240 ग्राम क्यों उतरा, इसका आप आंसर दीजिए। एक मिनट इधर सामने देखिए, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप एक मीडिया के सामने आए जहाँ 10 किलो लाभार्थी को मिलना चाहिए, वहाँ आपने 9 किलो आपके मुताबिक आप कह रहे हैं कि मैंने दिया है, और वर्तमान समय में मीडिया द्वारा तुरंत तौलवाने पे 8 किलो 240 ग्राम क्यों उतरता है, इसका आप महोदय आंसर दीजिए। क्या बताएं इसका आंसर भाई? नहीं, आपने इसका गबन कहाँ और क्या कारण था कि आपने जो है लाभार्थी, अगर एक लाभार्थी के साथ आपने ऐसा किया तो इतने भीड़ जनता है, आप किस प्रकार से इनको जो है करते होंगे? या एक गरीबों के हक में आप डाका डाल रहे हैं? नहीं, बात की बात नहीं, आप गरीबों के हक में डाका डाल रहे हैं महोदय जी।